हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज रात के खाने में बनेगा चिकन वाइट कोरमा। चिकन वाइट कोरमा हमारे घर में तकरीबन सभी को पसंद है मेरे अलावा, क्योंकि मैं ज़्यादातर सब्जियां शौक से खाती हूँ, लेकिन आज ये स्पेशली बिया की फरमाइश पे बन रहा है। इफ्तार में इतना खाया पिया तो नहीं जाता, बस पानी पी के इतना पेट भर जाता है कि इतनी गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन फिर भी एक रस्म तो है रात के खाने की, चलो सहरी में खा लिया जाएगा। इसके लिए आपको ये करना है, ये मैंने 1 केजी से कुछ थोड़ी सी कम, तकरीबन 3.5 पाव के करीब चिकन ली है। जितना भी आप स्पाइसी खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें कुछ हरी मिर्च पीस के मिला दें, क्योंकि ये जो कढ़ाई बनती है इसकी या कोरमा बनता है ये बिल्कुल वाइट होता है, इसमें आप लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसाले में तो दखनी सफ़ेद मिर्चें डलती हैं, उसकी वजह से तेज़ी आ जाती है। ये मसाला हम घर में खुद बनाते हैं, इसकी रेसिपी फिर मैं किसी वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ इंशाल्लाह। अभी मैंने तकरीबन 3.5 पाव चिकन है, इसको मैंने चंद हरी मिर्चें पीस के, अदरक लहसुन पीस के इनको मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था। 3 दरमियानी साइज़ की प्याज, उनको आप सुनहरा करके चूरा करके 1.5 पाव दही है इसके अंदर मिक्स कर लें, या जितना आप खट्टा खाना चाहते हैं उस हिसाब से रख लें। मेरा तकरीबन 1.5 पाव से ऊपर 6-7 टेबल स्पून के करीब दही है, और ये चिकन मसाला, चिकन वाइट कोरमा मसाला जो मैंने खुद घर में बनाया है ये है। तो अब आइए देखते हैं हम इसको किस तरह बनाएंगे। तैयारी शुरू करते हैं। 1 पतीले में 1 कप से थोड़ा कम ऑयल डाल दें, 3 दरमियाने साइज़ की प्याज सुनहरा कर लें, 1/2 कप। इसको आप अलहदा एक बटर पेपर पे निकाल के रख लें। छः टेबल स्पून दही के अंदर इस प्याज को पीस के मिक्स कर दें। 1 पतीले में तकरीबन 1 कप के करीब तेल डालें, क्योंकि कोरमा या कढ़ाई ये ऐसी डिशेज हैं जिनमें थोड़ा ऑयली अच्छा लगता है। तेल गर्म होने के बाद जो चिकन आपने मैरिनेट करके रखी है उसमें वो जो मसाला आप बना चुके हैं या पैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने चिकन के हिसाब से मसाला भी उसमें मिक्स करके गरम तेल में डाल के इसको ज़रा तेज़ आंच पे फ्राई कर लें। जब ये फ्राई हो जाए और तेल छोड़ दे तो जो आपने फेंटा हुआ दही रखा हुआ जिसमें प्याज मिक्स किए हुए वो डाल के इसको ज़रा स्लो चूल्हे पर दम पर लगा दें। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद चिकन सब मसाला जब्स कर लेगी और तेल ऊपर आ जाएगा। जब तेल ऊपर आ जाए तो आप चाहें तो इसमें तले हुए बादाम डाल के गार्निश करके पेश करें। हमारे यहाँ कोई बादाम पसंद नहीं करता, लिहाजा मैं बगैर बादाम के ही बना रही हूँ।